आज हम लोग स्टडी करेंगे रूट ऑफ मैग्नेटिज्म. हम लोगों को मालूम है सबसे छोटा पार्टिकल मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल एटम्स को मिलाकर बनता है तो एटम उससे छोटे होते हैं, और एटम के अंदर जो हमको बेसिक पार्टिकल्स मिले दोज आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जब भी करंट फ्लो होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा और मूव करेगा. जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, चार्ज मूव करता है, और हमारा प्रिंसिपल है व्हेनेवर देयर इज अ मोशन ऑफ चार्ज देयर विल बी करंट, एंड व्हेनेवर देयर इज अ करंट देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड. अकॉर्डिंग टू दिस, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द ऑर्बिट देन द चार्ज इज मूविंग. If the charge is moving, there is electric current. If there is electric current, there has to be a magnetic dipole moment of that circular current. So today we will study that there is magnetism due to rotation of electron. और इलेक्ट्रॉन चूंकि सबसे छोटा पार्टिकल है इसलिए हम क्या मान सकते हैं कि मैग्नेटिज्म का रूट वहां पर है. तो मैग्नेटिज्म हम लोग पढ़ते जाएंगे किसके कारण बनता है, अर्थ के कारण. और छोटा करो बार मैग्नेट के कारण हमको मैग्नेट मिलते हैं, और छोटा करो मॉलिक्यूल के अंदर होगा, एटम के अंदर होगा, और छोटा करो तो मैग्नेटिज्म कहां मिलेगा हमको, इलेक्ट्रॉन में. दैट इज द रूट कॉज. तो आज हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से एज ए मैग्नेट काम करता है, और वहां से फिर चीजें बढ़ते बढ़ते इलेक्ट्रॉन अगर एक मैग्नेटिज्म शो करेगा तो एटम भी शो करेगा, अगर एटम शो करेगा तो मॉलिक्यूल्स भी शो करेंगे, मॉलिक्यूल शो करेंगे तो पूरा बार मैग्नेट शो करेगा, और पूरी अर्थ शो करेगी, यूनिवर्स शो करेगा. सो दैट वी विल स्टडी टुडे कि एक घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रखता है, रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन. सो एन इलेक्ट्रॉन हैज गॉट सर्टेन चार्ज and it is moving in a circular motion. Now, let's put a barrier here. ये इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसा जाएगा, इसको पार करेगा, फिर इसको पार करेगा, फिर इसको पार करेगा. If we stand here, we see that one charge is passing through this continuously. अगर इस पर कंटिन्यूअसली चार्ज पार कर रहा है तो एक करंट फ्लो हो रही है, चार्ज का मोशन करंट है, और हमको करंट को मेजर करना है. सो फर्स्ट थिंग, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन आई, दिस इज इक्वल टू चार्ज एंड द टाइम टेकन फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज. इसमें ई चार्ज फ्लो होता है, और कितनी देर में फ्लो होता है, लेट से यहां से ये चलकर ऐसे आया और इसको टाइम लगा टी, तो कितना चार्ज इसमें, कितना टाइम लगा टी. टी इज द टाइम ऑफ रोटेशन, और एक रोटेशन में, इन वन रोटेशन, हाउ मच चार्ज पास ई, एक इलेक्ट्रॉन, फिर एक इलेक्ट्रॉन आया, कितना टाइम लगा टी. सो हाउ मच चार्ज इज पासिंग ई, हाउ मच टाइम इज टेकन टी. सो ई अपॉन टी इज द इलेक्ट्रिक करंट, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक करंट. अब ये जो ई अपॉन टी है, व्हाट इज टी, टाइम ऑफ रोटेशन. टाइम ऑफ रोटेशन के हमारे पास और भी बहुत से नोटेशन है. किस तरह के नोटेशन है, जैसे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आर इन्वर्टेड related to each other. So this we can write as E nu. What is nu? Frequency. An electron is rotating with a frequency of 4500. What is equivalent current? यहां charge रखेंगे और क्या 4500. We got the equivalent current. ठीक है, इसी तरह से अगर हमको time period दिया है, electron is taking so much time for one rotation, we can find out its equivalent current. हम चाहे अगर हमको ओमेगा दिया गया है तो इसको ओमेगा से भी रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज न्यू इज इक्वल टू 2 पाई, न्यू इज इक्वल टू ओमेगा. सो ओमेगा अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू न्यू, ऐसा भी रख सकते हैं. इस तरह से आई के आपको बहुत सारे नोटेशन मिलेंगे. अच्छा, फिर से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन जब यहां घूमता है इसकी कुछ रेडियस ऑफ रोटेशन होगी आर, और ये जब ऐसे घूमेगा इट हैज ए वेलोसिटी वी, देन हाउ मच इज द लेंथ ऑफ दिस पाथ.
answer, length of the path is 2 pi r. And what is its velocity? What is its speed? V. If it is rotating with a speed V and its distance is 2 pi r, then how much time will it take for one rotation? The time to be taken for one rotation that we have taken as capital T, this is equal to the distance traveled divided by speed. This is the time period. Okay. This is 1. Okay. I is equal to this. T is equal to this. So, if we put the value of T here, we can always find out E. Okay. Now, electron is moving in this. This is equivalent to current. In which direction? Opposite direction, because this is negative charged. I is equal to Q, or Q ki actual value electron ke liye hum kya rakhenge? Minus C. What is shown by this minus? Ki current ki direction kaisi li jayegi? Uski velocity se ulti li jayegi. Okay, anyway, phir aage chalte hain. Now, we have to calculate magnetic dipole moment of the electron. What we think here, electron making a circular motion is like a current flowing in a circular coil. Circular coil mein electron kaise daudta hai? Circle mein. To yahan bhi circle mein daud raha hai. So this is equivalent to circular coil current. According to that, what is magnetic dipole moment of a circular coil? Magnetic dipole moment of electron. Formula kya hai? I into A. Simple. Yaad aaya? N I A. Number of turns. Yahan par hum ek circle le rahe hain. To 1 I into A. This is equal to I. I ki value E by T for electron. Or area pi r square. This is area. Okay. Now, फिर से magnetic dipole moment of electron, इसका हमने एक sign बना लिया mu. So, mu is equal to E pi r square upon T, और T की वैल्यू यहां से रखिए, ठीक है? ये यहां से लाइए. T की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? 2 pi r upon v. R is cancelled, pi is cancelled, so this is E v r. E v r upon 2. Charge on electron, velocity of electron and radius. This gives the magnetic dipole moment. Okay. Yeh jo magnetic dipole moment hai, mu. This is equal to, ab hum isme ek quantity aur introduce karna chahte hain. In mechanics, we know any particle which is rotating has a intrinsic property, that is it is having angular momentum. Any particle having mass moving in a straight line has linear momentum, and the particle moving in a circle has circular, that is angular momentum. Aur electron bhi aise circle mein ghoom raha hai, so it has angular momentum. What is formula for angular momentum? Mv is the formula for linear momentum. R se multiply kar do, mvr is the formula for angular momentum. Yaad aaya aapko? Rotational motion mein humne padha tha, angular momentum mvr, aur moment of inertia ke terms mein wo kya hota hai? I into omega. mvr aur I omega, ye dono kisko denote karte hain? Angular momentum. Okay. यहां पर हम एंगुलर मोमेंटम को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं. एंगुलर मोमेंटम होता है mvr. m फॉर द पार्टिकल व्हिच इज मूविंग, व्हिच इज इलेक्ट्रॉन हियर. तो हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं m ऑफ इलेक्ट्रॉन vr.
अपॉन टू, और ये बैलेंस करने के लिए अलाउड ई वी आर अपॉन टू. अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस माइनस विल कम फॉर एंगुलर मोमेंटम. आई विल टेल यू दिस एम वी आर वी कैन राइट एज एंगुलर मोमेंटम एल एंड दिस इज ई अपॉन टू एम दिस. सो हियर मैग्नेटिक मोमेंट, यहां पर हमने माइनस नहीं लगाया था, वी शुड हैव पुट इट ओके. सो दिस नाउ व्हाट डज दिस माइनस शोज हियर, ये कौन सी क्वांटिटी है एंगुलर मोमेंटम और ये कौन सी क्वांटिटी है, सॉरी दिस इज एंगुलर मोमेंटम दिस इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम इनकी डायरेक्शन एक दूसरे से उल्टी होती है, जो आपने बहुत सारे रूल पढ़े हुए हैं, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, दिस दैट, उससे आप निकालेंगे यू विल फाइंड इट इज देयर. ठीक है. सो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, देयरफॉर दे हैव डायरेक्शन. एल के बारे में हमने लिखा नहीं, लेट्स राइट इट. एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. एल इज इक्वल टू एम वी आर, ये हमने यहां पर इसको यूज किया. ओके, नाउ वी गेट द क्वांटिटी म्यू इज इक्वल टू ई अपॉन टू एम इंटू एल. फिर से ये क्या है, एंगुलर डायपोल मोमेंट, सॉरी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. देखिए मुझे ही गड़बड़ लग रही है, आपको भी अच्छे से याद करना है. इसके लिए क्या वर्ड याद रखना है, मैग्नेटिक, और इसके लिए क्या याद रखना है, एंगुलर, द एंगुलर मोमेंटम, और ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दोनों को याद रखिए. दिस इज मैग्नेटिक क्वांटिटी, दिस इज मैकेनिकल क्वांटिटी. मैकेनिकल क्वांटिटी इज ड्यू टू मास, वेलोसिटी, रेडियस, एंड मैग्नेटिक क्वांटिटी इज ड्यू टू करंट, ड्यू टू चार्ज विच इज मूविंग. तो ये देखिए, ये रहा चार्ज, ये चार्ज को छोड़कर बाकी क्या है, एंगुलर मोमेंटम. और चार्ज जब हमने उसमें मिला दिया तो चार्ज मूव होना शुरू हो गया, मैग्नेटिज्म चालू हो गया. अब हमको क्या मिल गया, मैग्नेटिक मोमेंट. समझ आया? तो मैग्नेटिक में हमेशा मोशन करता हुआ चार्ज रहेगा, तभी वो मैग्नेटिक है, नहीं तो नहीं है. ओके, अब दिस इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंट. I will write it here. Magnetic dipole moment mu is equal to E upon 2 mass of electron into L. अब इस L को, अब हम दोनों को पहचानते हैं, इसको यहां ले जाते हैं, mu upon L. इसमें minus is only for saying the direction. Otherwise, quantity wise, it is there. So, mu upon L कितना होता है? Mu upon L is equal to E upon 2. What is E? Charge on electron. What is ME? Mass of electron. Both are constants. अगर ये दोनों constant हैं, तो mu upon L भी क्या हुआ? Constant. Therefore, mu upon L is a constant. अब ये constant का हमने एक नाम रखा, and this constant is known as gyromagnetic ratio.
जायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जायरो मतलब क्या होता है मैकेनिक्स में, घूमना, घूमने के लिए क्या वर्ड है जायरो, और मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करना, इसमें जायरो को कौन रिप्रेजेंट करता है, एल घूमने का काम, और मैग्नेटिक को कौन रिप्रेजेंट करता है म्यू। मैग्नेटिक इफेक्ट इज बाय म्यू एंड रोटेशनल इफेक्ट इज बाय एल, सो दिस इज जायरो मैग्नेटिक रेशियो। ये जो जायरो मैग्नेटिक रेशियो है ये कैसा बना, कॉन्स्टेंट। जायरो मैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ए कॉन्स्टेंट, और ये कॉन्स्टेंट किसके बराबर होता है, अब आपको याद हो गया, दिस इज हाफ ऑफ ई अपॉन एम स्पेसिफिक चार्ज। ओके, क्या हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि ये जायरोमैग्नेटिक रेशियो कितना होता है, आंसर है यस, हमने निकाली एंड दिस कम्स टू ए कांस्टेंट, क्योंकि हमको ई भी पता है और हमको एल भी पता है। अगर हम दोनों की वैल्यू नोट कर लेते हैं देन दिस जायरोमैग्नेटिक रेशियो दिस कम्स टू बी 8.8 इंटू 10 to the power 10 कूलम पर केजी, कूलम पर केजी, कूलम पर केजी तो बहुत आसान है, ई का ई क्या है चार्ज, कूलम, एम क्या है मास, केजी। तो हम इसको नहीं देखते यूनिट के लिए, इसको देख लेते दोनों में से जो इजी होगा, दिस इज इजियर वन, कूलम पर केजी, दिस इज यूनिट ऑफ जायरोमैग्नेटिक रेशियो। जब आपके क्वेश्चन पेपर में ये वन मार्क क्वेश्चन आता है व्हाट इज यूनिट ऑफ जायरोमैग्नेटिक रेशियो, तो उस समय स्टूडेंट बहुत कंप्लेन करते कहां कहां से निकाल के यूनिट पूछ लेते। नाउ डू यू फाइंड इट इज डिफिकल्ट, नहीं, अगर आप साथ साथ यूनिट पढ़ते जाएंगे देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। अगर आपको फॉर्मूला याद है जायरोमैग्नेटिक रेशियो ई अपॉन एम होता है तो यू नो इट इज कूलम अपॉन केजी, कूलम पर केजी, दैट इज द यूनिट, और उससे आप चाहे तो उसकी डायमेंशंस भी बना सकते। तो अगला क्वेश्चन ये भी आ सकता है व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ जायरोमैग्नेटिक रेशियो, तो आप वो भी बता सकते, इट्स वेरी इजी। ओके, नाउ अब जब हमको ये जायरोमैग्नेटिक रेशियो पता लग गया इतना इजी, अभी तक हमको क्या नहीं पता लगा वो है व्हाट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अभी तक हम क्या क्या पता लगा चुके, इट इज इक्विवेलेंट करेंट एंड इट्स जायरोमैग्नेटिक रेशियो विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ म्यू एंड एल। एल भी हम पता लगा सकते हैं, एम वी आर वो भी पता लग जाएगा। अभी तक आप हमको निकालना क्या बाकी है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने के लिए इस इक्वेशन में इफ वी नो द वैल्यू ऑफ एल देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। एल क्या चीज है, एंगुलर मोमेंटम। अब हम एंगुलर मोमेंटम पर आते हैं, उस पर कंसंट्रेट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूमता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम के बारे में बोर हाइपोथेसिस में डिस्कस किया है, बोर्स हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू बोर्स हाइपोथेसिस एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, अकॉर्डिंग टू बोर्स हाइपोथेसिस इलेक्ट्रॉन मूव इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ओनली, वो कहीं पर भी ऑर्बिट बनाकर नहीं घूमते, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स रहती हैं, फिक्स ऑर्बिट रहती हैं, और उसकी कंडीशन क्या होती है कि कहां पर होगा वो, वो क्या कंडीशन फुलफिल करती है डिस्क्रीट ऑर्बिट। डिस्क्रीट ऑर्बिट ये कंडीशन फुलफिल करती है कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो एंगुलर मोमेंटम फिक्स होगा। एंगुलर मोमेंटम किसके बारे में बात करता है,
मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस. अब मास तो कॉन्स्टेंट है, बाकी दो चीजें क्या बची, वेलोसिटी रेडियस. तो उसका ये कहना था अगर आप वेलोसिटी बढ़ाएंगे रेडियस कम हो जाएगा, वेलोसिटी कम करेंगे रेडियस बढ़ जाएगा. लेकिन ये वाली जो क्वांटिटी है एंगुलर मोमेंटम विच इज एम वी आर, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई. दिस इज ए कॉन्स्टेंट. ओके, इसमें उन्होंने हमको एक्सप्लेन किया एन इज नंबर ऑफ ऑर्बिट फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट. और प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू बताइए 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना होता है 34. दिस इज जूल सेकेंड. ओके, दिस इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट. केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा energy in a wave is equal to h nu, h is Planck's constant, nu is frequency of the wave. Okay, तो वहां से हमने ना इसकी ये यूनिट उठाई है जूल सेकेंड. एनीवे दिस इज Planck's constant एंड n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट. ओके, अब ये एल की वैल्यू हमको पता रहती है एच के टर्म्स में. अब अगर हम चाहें ये इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम की. एन की वैल्यू कितनी रखेंगे 1, पाई की वैल्यू हमको मालूम है, एच की वैल्यू भी हमको मालूम है. इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एल की वैल्यू कितनी होगी. उस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, म्यू अपॉन एल इज इक्वल टू दिस मच, देयरफॉर देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू एल एल इंटू 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10. और अब यहां L की वैल्यू हमने क्या रख दी, ये L इज इक्वल टू L इज इक्वल टू H अपॉन 2 पाई ये. और H की वैल्यू ये रखेंगे 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 इंटू ई कहां चला गया. ओके, वो हमने उसकी पूरी वैल्यू ले ली. सो दिस इज इक्वल टू, इसको जब हम सॉल्व करते हैं वी गेट ए सर्टेन वैल्यू एंड दैट इज इक्वल टू 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24. दिस इज म्यू. म्यू क्या चीज था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का यूनिट बोलिए, फॉर्मूला बोलिए, म्यू का बेसिक फॉर्मूला. यस, वेरी गुड. एन आई ए, एन को वन कर दो, क्या हुआ आई इंटू ए. आई का यूनिट क्या होता है, एम्पियर. एरिया का मीटर स्क्वायर. तो इसका यूनिट क्या हो गया, दैट्स ऑल. तो याद रखिए फॉर्मूला से आपको यूनिट भी बनती है, सो यू मस्ट रिमेंबर फॉर्मूलास. So this is ampere meter square. This is value of mu for, value of mu for what?
one electron moving in a first orbit. अच्छा, उससे नीचे दूसरा कम रेडियस वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं होता. ये वाली जो मोमेंटम होती है, दिस इज मिनिमम मोमेंटम, क्योंकि बाकी सब इसके ऊपर रहेंगे. तो इसलिए इस म्यू के साथ हम लगा लेते हैं मिनिमम. ओके, सो दिस इज म्यू मिनिमम, इसको याद रखिए. और ये हमने किसकी हेल्प से निकाला? बोर्स फॉर्मूला की हेल्प से निकाला. क्या चीज निकाला? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाला. तो इसका नाम हमने लिखा बोर्स मैग्नेट्रॉन. इसमें बोर फॉर्मूला से निकाला है, मैग्नेटिक इफेक्ट है और किसका है? इलेक्ट्रॉन का. तो इन सब शब्दों को मिला के क्या बनाया? बोर्स मैग्नेट्रॉन. ओके, फिर से, व्हाट इज बोर्स मैग्नेट्रॉन? बोर्स मैग्नेट्रॉन इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स फर्स्ट ऑर्बिट. क्या चीज है ये बेसिकली? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. डिटेल बताओ, किसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट? इलेक्ट्रॉन का. कौन से इलेक्ट्रॉन का? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, कौन से ऑर्बिट का? हाँ, अब याद हुआ. फिर से, व्हाट इज बोर्स मैग्नेट्रॉन? फर्स्ट वर्ड क्या होगा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. दूसरा, ऑफ इलेक्ट्रॉन. तीसरा, मूविंग इन फर्स्ट ऑर्बिट. दिस इज बोर्स मैग्नेट्रॉन. अच्छा, ये इसकी वैल्यू आ गई. तो ये उसका डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रॉन का होता है. तो अब हमको ये पता लगा कि इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन के घूमने से एक मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है और उसका अपना एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है. उसकी एक स्ट्रेंथ होती है जिसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. और वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की क्वांटिटी ये होती है, दिस वन, कम से कम इतनी. फिर इसके मल्टीपल होते चले जाएंगे, वन इलेक्ट्रॉन का, दूसरे इलेक्ट्रॉन का, तीसरे इलेक्ट्रॉन का, वी विल ऐड देम अप. ऐसे करोड़ों इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा. ओके, अब हमने ये देखा, दिस इज ड्यू टू मोशन इन द ऑर्बिट, सो दिस इज नोन एज ऑर्बिटल मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट. अब एक तरह का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रॉन के पास और होता है, वो क्या होता है? तो फिर से हम याद करते हैं अर्थ का मोशन. अर्थ का मोशन दो तरह का होता है. किस तरह का? वन, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, रोटेशन. दूसरा, इट इज स्पिनिंग एट इट्स ओन ऑर्बिट. दोनों तरह के मोशन होते हैं और इन दोनों मोशन के कारण, जिस अगर किसी चार्ज में ये दो मोशन होते हैं तो इन दोनों के कारण वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा. द चार्ज इज मूविंग लाइक दिस, दिस इज मोशन ऑफ ए चार्ज, एंड मोशन ऑफ ए चार्ज क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड्स, उसके मैग्नेटिक रिपल्स बनते हैं. दिस इज चार्ज मोशन एंड इट इज मूविंग लाइक दिस, दिस इज अगेन मोशन ऑफ ए चार्ज. इफ इट इज मोशन ऑफ ए चार्ज, इट विल अगेन क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड. तो जो चीज स्पिन करती है वो भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनाती है, और इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं कि नहीं करते हैं? इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, करते हैं कि नहीं करते हैं. क्यों कंट्रोवर्सी इसलिए है? क्योंकि कोई भी चीज जब स्पिन करती है तो उसके पास कम से कम दो पार्टिकल होने चाहिए, ये दो. तो ये ऐसे स्पिन करेंगे तब तो आपको ये पता लगेगा कि ये पार्टिकल इस पार्टिकल के चारों तरफ ऐसा गया, तब आप स्पिन बोलोगे. अगर मैं दूसरा पॉइंट हटा लूं, एक ही पॉइंट है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि स्पिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है बॉडी? यू कांट. समझ में आ रहा है ना? स्पिन के लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिए? दो. और हमने ये माना है कि इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट चार्ज है, सबसे छोटा, वो सिंगल पॉइंट होता है. तो सिंगल पॉइंट में स्पिन हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता.
क्योंकि स्पिन के लिए कितने पॉइंट चाहिए? दो. तो इलेक्ट्रॉन एक होता है कि दो? एक पार्टिकल है, दो पार्टिकल नहीं है. पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज को क्या मानेंगे? सिंगल पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल, इसलिए वो स्पिन नहीं कर सकता. लेकिन हमने ये देखा है कि स्पिन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनना चाहिए वो बनता है इलेक्ट्रॉन में, ये हमने सोचा. अब ये हमारा कंफ्यूजन हो गया. हमने कहा जिसको प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन नहीं करता, वो बोलता रहे कि स्पिन नहीं करता. हम भी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन नहीं करता, लेकिन उसके पास एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है. हम अपने मन में जानते हैं किसके कारण होता है, स्पिन के कारण. लेकिन हम बोलते नहीं कि स्पिन करता है, हमने उसका नाम बदल दिया. क्योंकि स्पिन बोलने से ऑब्जेक्शन क्या आता है कि इलेक्ट्रॉन तो स्पिन नहीं करता, तो हमने उसका नाम रखा कि ये एक गुण उसमें होता है. इट इज इट्स इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट? द प्रॉपर्टी व्हाट इट हैज, अपने कारण ही उसमें वो प्रॉपर्टी है. जैसे चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली दिस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन. जहां इलेक्ट्रॉन है वो एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनाता ही है. और हम लोग जानते हैं कि ये किस कैटेगरी में आता है. इज इट ऑर्बिटल? नो, इट इज स्पिन. लेकिन हमने उसका नाम क्या रखा? इंट्रिंसिक. हाँ, इंट्रिंसिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, क्योंकि वो रोटेट नहीं कर सकता. समझ गए? इसलिए अब हमको ये समझ में आया कि दो तरह के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रॉन के होते हैं. एक मोमेंट कौन सा होगा? ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एंड अदर इज इंट्रिंसिक डायपोल मोमेंट. समझ में आ गया? ओके, लेट्स राइट इट. प्लीज डू राइट. देयर इज अनदर टाइप ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. ओके, इंट्रिंसिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. ओके, नाउ वी से देयर इज एन इलेक्ट्रॉन, देन व्हाट आर इट्स इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज? नंबर वन, इट हैज गॉट इलेक्ट्रिक चार्ज. नंबर टू, इट हैज गॉट ए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इंट्रिंसिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. एंड दीज आर द बेसिक कॉज ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहां से पैदा होता है? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से और उसके स्पिन से. ऑर्बिटल वाला नेक्स्ट. दूसरा मैग्नेटिज्म कहां से आता है? उसके ऑर्बिट में घूमने से आता है, वो एटम को आ गया. पर अगर हम बोले कि हम ऑर्बिटल एक्शन नहीं चाहते, तब भी इलेक्ट्रॉन के पास एक मैग्नेटिज्म होता है ड्यू टू इट्स स्पिन. दैट इज नोन एज इट्स इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. वो इलेक्ट्रॉन में रहती ही रहती. समझ में आ गया? सो दिस इज फंडामेंटल और बेसिक कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म. This is root cause of magnetism. बस हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे. उसके बाद इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा होता है वो आप लोग शायद केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है? उसको जब हम दूसरे चैप्टर्स में लेंगे तब पढ़ेंगे. मैग्नेटिज्म में हम लोग इतना ही स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की ये मिनिमम क्वांटिटी होती है, ये उसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. ओके. तो इस तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका जो फंडामेंटल बेसिक्स हैं ये हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिए. अब इसके बाद हमने पढ़ना है मटेरियल मैग्नेट. जो मैग्नेट हम देखते हैं उस मैग्नेट में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, अर्थ इज ए मैग्नेट, उस मैग्नेट के क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. सो व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज वी आर रिलेटिंग इन ए बार मैग्नेट, इन मैग्नेटिज्म, its properties, earth magnetism, and the terminology we will use with magnetism.
किस तरह के मटेरियल इस दुनिया में हमको मिलते हैं जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट से कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं, कॉपर कैसे रिएक्ट करता है, आयरन कैसे रिएक्ट करता है, अर्थ कैसे रिएक्ट करती है, दूसरे स्टार कैसे रिएक्ट करते हैं, एटमॉस्फेयर कैसे रिएक्ट करता है विद द मैग्नेटिक फील्ड एंड विद ईच अदर. दैट इज मटेरियल मैग्नेटिज्म एंड दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक. इस चैप्टर में जो हमने कुछ चीजें पढ़ी हैं, दैट वी विल मेक ए स्मॉल टेबल फिजिकल क्वांटिटीज. पहली फिजिकल क्वांटिटी हमने क्या पढ़ी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू, एंड द सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी इज मैग्नेटिक फील्ड बी. मैग्नेटिक फील्ड इसका सिंबल बी, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी. इसकी डेफिनेशन आप जानते हैं, आई विल नॉट राइट, बट डायमेंशंस आप इसकी याद कर सकते हैं, एम टी टू एंड ए माइनस वन. सब में एम्पियर करंट आएगा ही, मैग्नेटिज्म में वो जरूरी है. एंड हियर टी इज फॉर व्हाट, टेस्ला. ओके, देन वी विल हैव थर्ड क्वांटिटी, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट. मैग्नेटिक मोमेंट, देर आर मेनी अदर क्वांटिटीज, ये अभी नई क्वांटिटीज कुछ आई हैं, यू मस्ट रिमेंबर दिस. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये जो साइन हमने लिया है एम, दिस इज नॉट ए यूनिवर्सल साइन, ये याद रखिए. जब आप कोई रेफरेंस बुक लेंगे या दूसरी बुक लेंगे, ही माइट बी यूजिंग कैपिटल एम, लेकिन एनसीईआरटी ने क्या यूज किया है, स्मॉल एम. रेफरेंस बुक वाले स्मॉल एम को यूज करते हैं, दैट इज मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, एक तरफ के पोल की स्ट्रेंथ. अब हमने जो नया मैग्नेटिज्म पढ़ा कि सिंगल पोल कोई चीज होती ही नहीं है. बेसिकली मैग्नेटिज्म कैसे पैदा होता है, एक कॉइल में करंट फ्लो हो रही है या एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पैदा होता है, वही मैग्नेटिक फील्ड को हम इधर से देखते हैं तो बोलते हैं ये नॉर्थ पोल है, और इधर से देखते हैं तो क्या बोलते हैं, साउथ पोल है. पर अलग अलग दो पोल होते ही नहीं. जब अलग अलग दो पोल होते ही नहीं, तो हमने उस तरीके से पढ़ना भी बंद कर दिया. दिस इज कंसेप्ट ऑफ एनसीईआरटी, कि वो चीज अब पुरानी हो गई, लेकिन स्टेट के जितनी भी बुक्स आपको मिलेंगी उसमें अभी भी वो कंसेप्ट चल रहा है कि एक पोल की स्ट्रेंथ स्मॉल एम होती है, जैसे एक चार्ज की स्ट्रेंथ क्यू होती है. दो पोल के बीच का डिस्टेंस 2L होता है, जैसा डायपोल में होता है. इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट क्यू इंटू 2L होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम इंटू 2L होता है. बिल्कुल इसके बराबर बराबर कर दिया. इसका साइन रखा कैपिटल पी, इसका साइन रखा कैपिटल एम. इस तरह से एनालॉगी बनाई गई है, बट एनसीईआरटी वो पढ़ाते ही नहीं. क्यों, बोले वो कंसेप्ट खत्म हो गया. दो पोल वाला मैग्नेट होता ही नहीं है. बेसिक कंसेप्ट क्या है कि मैग्नेटिज्म क्या है, एक घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, अदरवाइज मैग्नेट नाम की कोई चीज नहीं होती. हमको जो मिलता है मैग्नेट, वो क्या होता है, वो भी घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का एक कलेक्शन. जैसे हमने एक रिंग बनाया, दूसरा रिंग बनाया, तीसरा रिंग बनाया, चौथा रिंग बनाया, सब रिंग को आपस में वेल्ड कर दिया, क्या बन गया, पाइप. बेसिकली क्या है, रिंग. तो वही उनका कहना है कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं, उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड सबको हम ऐड कर देते हैं सोलेनोइड जैसा. ये इधर से देखते हैं तो नॉर्थ बोलते हैं, इधर से देखते हैं तो साउथ बोलते हैं. क्यों ऐसा बोलना शुरू किया, क्यों क्या किया, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, सो दैट डजंट मैटर. आपको याद रखना है कि आपने ये एम किसके लिए याद किया है. वी विल गो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. पर जो दूसरे स्टेट वाले बच्चे इसको कर रहे हैं, या स्टेट गवर्नमेंट वाले जो हैं, वो याद रखें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो उनकी बुक में लिखा है उसको ले लें, कैपिटल एम. लेकिन एनसीईआरटी फिर कैपिटल एम एक दूसरी चीज के लिए यूज करता है, सो यू विल गेट थॉरली कंफ्यूज्ड इन दिस.
कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम के लिए इन्होंने कैपिटल एम यूज किया है एनसीईआरटी में, और उन्होंने कैपिटल एम किसी और चीज के लिए यूज किया, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है. सो वन शुड बी वेरी केयरफुल, और सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप नोमेनक्लेचर से याद करिए रादर देन सिंबल. ठीक है, उसके नाम से पूरा याद करिए, फिर कभी गलती नहीं होगी. ओके.